वैसे तो गूगल प्ले स्टोर पर लाखों मोबाइल एप्स मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर ऐप वायरस से प्रभावित हैं। इन एप्स को लेकर आए दिन रिपोर्ट्स सामने आती रहती हैं। अब इसी कड़ी में सिक्योरिटी रिसर्च कंपनी चेकपॉइंट ने भी एक रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्ले स्टोर पर मौजूद 56 एप्स ऐसे हैं जो टेकिया नाम के नए वायरस से प्रभावित हैं। साथ ही विशेषज्ञों ने इन मोबाइल एप्स को जल्दी से जल्दी डिलीट करने की सलाह दी है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इन 56 मोबाइल ऐप में 24 गेम हैं या पजल और 32 यूटिलिटी ऐप हैं। सबसे पहले तो ये लिस्ट देखिए। इस लिस्ट में आपको पता चल जाएगा कि कहीं आपने भी गूगल प्ले स्टोर से इन एप्स को इंस्टॉल तो नहीं किया। इन एप्स में गेम्स भी हैं और यूटिलिटी एप्स भी, साथ ही पजल गेम्स भी हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इन एप्स के इंस्टॉल होते ही वायरस भी अपने आप डिवाइस में डाउनलोड हो जाता है और इन एप्स को 1 मिलियन यानी 10 लाख बार डाउनलोड किया जा चुका है। इतना ही नहीं, अपने आप डिवाइस में भी ये डाउनलोड हो जाते हैं और इंस्टॉल हो जाते हैं, जिससे डेटा लीक होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चेकपॉइंट के शोधकर्ताओं ने इन मोबाइल ऐप में वायरस होने की पुष्टि की है। साथ ही जानकारी दी है कि गूगल प्ले स्टोर और डेवलपर्स ने भी इन एप्स को प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वायरस टोटल और प्ले प्रोटेक्ट भी टेकिया वायरस का पता नहीं लगा पाए थे। तो आप भी इस लिस्ट को देखकर ये समझ सकते हैं कि कहीं आपने भी प्ले स्टोर से इन एप्स, गेम्स या पजल्स को डाउनलोड तो नहीं किया। हालांकि अगर आपको इस खबर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप अमर उजाला की साइट पर जाकर इस पूरी खबर को पढ़ सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।